हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सुरभि चन्ना के एक मिनी प्रोजेक्ट के बारे में, एक ऐड के बारे में और विद्रोही की कुछ न्यूज़ विद्रोही फैंस के लिए, शरद फैंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करें उससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, हम ऐसी अपडेट्स डालते रहते हैं। चलिए शुरू करें। पहले हम बता दें, हमने आपको कुछ सुरभि की फोटोज़ दिखाई होंगी ऑरेंज ड्रेस और ब्लू जैकेट में, वो एक्चुअली सुरभि के ऐड से जुड़ी थी। एक फैन ने हमें पॉइंट आउट करके बताया कि वो बेपना इश्क से भी जुड़ी है, मगर ज़्यादा चांस है कि सुरभि ने ऐड शूट किया था और उसके बाद उन्होंने अपनी कुछ फोटोज़ खिंचवाई थी। मगर इसका ये मतलब नहीं कि बेपना पार्ट 3 नहीं आ रहा, क्योंकि शरद फोटोज़ डाल रहे हैं जिसमें वो बिल्कुल तैयार लग रहे हैं और ये घेरा वन के लिए हो सकती है। मगर जैसा उनका लुक है, वो लुक देखकर और हाथ में ढंग देखकर लग रहा है कि शरद घेरा वन की नहीं बल्कि इसी बेपना 3 की ही तैयारी करें, क्योंकि लुक बहुत मैच कर रहा है। शरद का स्टाइल और चेहरा भी सीरियसनेस उसी से मैच कर रही है। अब हम बाकी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आप एक वीडियो देख रहे होंगे सुरभि चन्ना का बेड से उठ के बोलते हुए। हम ये बता दें, उन्होंने सुनील ग्रोवर की ऑडियो लेकर ये बनाई थी। सुरभि ने कहा था कि ये एक छोटा सा रील है, रात के 1 बजे बनी थी और ये एक मजाक टाइप है जो जल्दी ही डिलीट हो जाएगी, हम ये फैंस को मेरे बीमार होने के कारण नहीं दिखा पाए थे, मगर अब हम ये लिया है। सुरभि ने खुद सुनील ग्रोवर से खुद पूछा है कि ये कैसा लगा, तो आप इसे सुनील ग्रोवर और सुरभि चन्ना का कोलैप्स मत सकते। सुनील के रिप्लाई का अभी भी किया जा रहा है वेट। और अब चलिए फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, सुरभि के वो था एक ऐड जहाँ आपने कुछ फोटोज देखी होंगी अलग से, ये उनके एड्स लिए गए, पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते, ऐड का लिंक हम डाल देंगे, जहाँ सुरभि ने क्रीम का ऐड किया और सुरभि बहुत ही अच्छी लग रही थी। हमें कुछ एक्स्ट्रा बिहाइंड द सीन्स देखने को मिले उनके, जो आप ऐड के वीडियो में आराम से देख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं फाइनल खबर में, जो है विद्रोही की। विद्रोही में हम बता दें अभी क्या चल रहा है। तो कल्याणी को जफरों ने किडनैप कर लिया है और उससे ज़बरदस्ती शादी करा, जिससे कल्याणी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो लगता है अब हमारे शरद की एंट्री होने वाली है और वो उसे बचाएंगे। क्या कल्याणी खुद छूट जाएंगी और शरद उसकी मदद करेंगे, इन दोनों में से कुछ एक ही होगा। तो आप बताइए, आपको अभी तक विद्रोही कैसा लग रहा है और आज की खबर में इतना ही।